राहुल वैद्य ने घर में आकर इस बात का खुलासा किया कि वो घर से क्यों गए, कब उन्होंने जाने का डिसीजन लिया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर अली गोनी घर के अंदर होता तो मैं नहीं जाता, एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्होंने रुबीना और अभिनव से कहा कि आपके पास सपोर्ट है एक दूसरे का, वहीं जैस्मिन के लिए 4 हफ्ते के लिए अली गोनी आया है, वहीं अगर कोई बुरा ना माने तो मैं बोलूं कि एजाज खान को वैसे भी शुरू से अकेले रहने की आदत है, तो मैं बहुत अकेला हो गया था और कोई भी मेंटल सपोर्ट मुझे मिलता या मुझे घर के अंदर लगता कि हाँ ये मेरा दोस्त है, इससे मैं दिल की 2 बातें कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई प्यार मोहब्बत करने नहीं आया, लेकिन सिर्फ रात को ये होता है कि किसी के साथ बैठकर आप 2 बातें अच्छी कर लो तो दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि टास्क होते हैं, आप हारते हैं, कोई अच्छा दिन होता है, कोई बुरा दिन होता है, आपकी बहस होती है, झगड़े होते हैं, सब भूल जाता हूँ मैं रात को सोते हुए, लेकिन चाहिए कोई कि 2 बातें दिल की कह सकूँ। तो ये उन्होंने कहा कि अगर अली गोनी होते तो मैं घर से बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है और इसीलिए मैंने जाने का फैसला लिया। तो ये बात राहुल वैद्य ने कही और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जैस्मिन के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब वो सीक्रेट टास्क हुआ तब सभी की इक्वेशन रीसेट हो गई और मुझे लगा कि अब रुबीना और जैस्मिन भी दोस्त बन गए तो फिर मेरे लिए घर में था क्या, और मैं किसके साथ बैठूं, किसके साथ बात करूं। शुरू में 2 हफ्ते मैं अकेले बैठा रहता था, कोई मेरे पास नहीं आता था, तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि वो चीज़ें दोबारा ना हो और इसीलिए मुझे लगा मैं चला जाता हूँ। तो ये राहुल वैद्य ने कहा कि सबके पास मेंटल सपोर्ट है, खाली वो इस घर में अकेले हैं, और इसीलिए जब अली गोनी भी चले गए, निक्की भी चली गई, जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती हो गई, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं इस घर को, इस शो को क्विट कर देता हूँ।